हम दिल्ली में ऐसे अस्पताल का हाल देखते हैं जो कहने को तो बच्चों की जिंदगी उन्हें बख्शेगा, लेकिन यहाँ पर केवल मौत परोसी जाती है। दिल्ली के बेबी केयर सेंटर की खबर दिखाने वाले हैं, जहां अस्पताल की आग में 7 बच्चों की मौत हुई और अब FIR की कॉपी में इस बात का पता चला कि मौके पर 5 ऑक्सीजन सिलेंडर फटे हुए मिले, 27 ऑक्सीजन सिलेंडर बिल्डिंग के अंदर और बाहर पड़े मिले। वहीं दिल्ली पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ कि इस बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस खत्म, फिर भी फर्जी तरीके से ये चल रहा था। 5 बेड वाले नर्सिंग होम में 20 से 25 बच्चों का इलाज किया जा रहा था। खुलासा ये भी हुआ कि जहां ज्यादा से ज्यादा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, वहां पर 32 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए। दावा है कि अवैध तरीके से यहां ऑक्सीजन सिलेंडर रीफिलिंग का काम किया जा रहा था। इस मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। इसी दौरान अपनी बच्ची को खोने वाले एक पिता पहुंचे और रोते हुए इंसाफ मांगने लगे। जब यहाँ आग लगी मुझे नहीं पता कुछ भी, अब मैं यहाँ पे जब मुझे कुछ भी नहीं पता चला तो मैं यहाँ पे मेरे दोस्त ने कॉल करी, वहां से मुझे नेहरू यार से 12 बजे करीब मैं अपने बच्चों के लिए चीज भी दिलाने जा रहा था। अब वहां से जब पहुंचा हूँ मैं यहाँ पे तो देखा यहाँ पे आने के बाद उन्होंने कहा अपनी तुम बेबी केयर गए क्या? मैंने कहा बेटा भाई मैं तो नहीं गया वहाँ पे बेबी केयर के अंदर। मैंने पूछा आप वहाँ पे जाके देखो पहले जाके, मैं वहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे आने के बाद देखा था पूरा सब उड़ा पड़ा है। मैं तो अपने बच्चे से मिलना आया हूँ, मैं जब तक सरकार से मैं अपना न्याय नहीं ले लेता मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं किसी हाल में। मैं सरकार से अनुभव केजरीवाल से PM मोदी से मैं इसका इंसाफ चाहता हूँ अपनी बच्ची का। मेरी बेटी यहाँ मुझे चाहिए, मुझे अपनी बच्ची, मैं नहीं था अपना, मैं जाके अपना अपनी बच्ची को चाहिए मुझे। मैंने पर डे ने 15,000 रूपये जमा कराए यहाँ पे, 15,000 रूपये, और 12,000 रूपये रोड में पर डे देता था पर डे का। कभी उसका रिपोर्ट का खर्चा 3,000 का, क्या नाम है 3,500, 4,000, 3,000 और प्लस बिलेट का लग। और उसके अलावा वहाँ गुप्ता नर्सिंग होम में 90,000 रूपये मैंने वहाँ दिए और 1,00,000 से ऊपर की पेमेंट यहाँ कर चुका हूँ। यहाँ पे जब तक मेरी बच्ची को नहीं जाता मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। धमाकों के साथ धधकती आग को जिसने भी देखा और सुना उसके रूह कांप गई। लेकिन दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आग लगने के मामले में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उससे दिल्ली वाले पूछ रहे हैं कि ऐसे लापरवाह डॉक्टरों और फर्जी नर्सिंग होम चलाने वाले मालिकों पर हत्या का मामला क्यों नहीं चलना चाहिए। पुलिस ने विवेक विहार चाइल्ड केयर अस्पताल के मालिक के साथ आग लगने के वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के विवेक विहार के इसी बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। अब दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ जब यह हादसा हुआ उस वक्त बेबी केयर सेंटर में काम कर रहे डॉक्टर आकाश को भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि इस बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को ही खत्म हो गया था, यानी फर्जी तरीके से ये बेबी केयर सेंटर चलाया जा रहा था। फायर की NOC भी इस बेबी केयर सेंटर के पास नहीं थी। अगर आप देखें तो एंट्री एग्जिट गेट इस बेबी केयर सेंटर में लगभग ना के बराबर, यानी पतली गली है। अगर इस हॉस्पिटल में लापरवाही न होती तो 7 मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। देखिए कैसे 5 बेड की परमिशन वाले अस्पताल में 25 से 30 बच्चों का इलाज किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसी बिल्डिंग में ऑक्सीजन के सिलेंडर को अवैध रूप से भरा जाता था। उससे भी बड़ा खुलासा यह है कि इस बेबी केयर सेंटर में सिर्फ 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन बच्चे कितने रखे जाते थे? 25 से 30। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान भी इसी बेबी केयर सेंटर से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अब 5 बेड के लिए कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होगी? आप कहेंगे 7-8, लेकिन यहाँ पर 32 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर पुलिस को बरामद हुए हैं। यानी यहाँ पर अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम चल रहा था।
बताया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल और इसे चलाने वाला मालिक पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। कल जो धाराएं लगाई थी एफआईआर में, उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है, साथ ही साथ आईपीसी 308 भी इसमें लगाई गई है। पुलिस का कहना है कि पूरी इंक्वायरी कराई जा रही है, दोनों जो डॉक्टर गिरफ्तार किए गए हैं इनका बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है। जो डॉक्टर नवीन है, जो ये बेबी केयर सेंटर है, इसके खिलाफ पहले भी 2021 में मामला दर्ज हुआ था, तो पूरा बैकग्राउंड तलाशा जा रहा है। जिन घरों में कुछ दिन पहले खुशियों की किलकारी गूंजी थी, वहां मातम और आक्रोश है। लोग सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डिमांड यह है कि बेबी केयर वालों की गिरफ्तार की जाए, और जो बिलासी उन्होंने करवाया है, जो बिलासी वो धंधा गोरख धंधा सिलेंडर का कर रहे थे, उनकी जांच की जाए, और क्या नाम उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो पूरे स्टाफ की और ओनर की भी साथ में। और अभी तक हमारे पास कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई विधायक, कोई कर्मचारी, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की एनओसी 31 मार्च को ही खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी नियमों को ताक पर रखकर 5 बेड के अस्पताल में 12 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से जो भाग्यशाली निकले उन 5 बच्चों का रेस्क्यू समय रहते कर लिया गया, लेकिन बाकी 7 बच्चे सिस्टम की लापरवाही का शिकार बन गए। एक के बाद इतनी बड़ी लापरवाही, एक तो फर्जी तरीके से बेबी केयर सेंटर का चलाना, ऊपर से इसी बेबी केयर सेंटर के नीचे अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग करवाना, क्या ये महज दुर्घटना है? क्या आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला नहीं चलाया जाना चाहिए? कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। आमतौर पर हादसा या दुर्घटना एक ऐसा शब्द होता है जहां पर हम ये समझेंगे नियंत्रण कोई नहीं था और गलती से वो चीज हो गई, लेकिन नहीं, इस स्थिति में ऐसा नहीं है। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि क्यों तभी नींद जागती है जब कोई ना कोई इस तरह का हादसा सामने आता है। आज तक पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हादसों के बाद ही क्यों पता चलता है कि फायर की एनओसी नहीं थी, पहले क्यों नहीं संबंधित विभाग की नींद टूटती है। जिस बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया, वो 2 महीने बाद भी कैसे चलता रहा, क्यों नहीं कोई देखने गया कि पैसे खाकर क्या आंखें मूंद ली गई थी। 5 बेड की परमिशन जहां थी, वहां कैसे 20-25 बच्चों का इलाज कराया जा रहा था, जहां 10 ऑक्सीजन सिलेंडर से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, वहां 30 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों रखे हुए थे, और जहां मासूम बच्चों का इलाज हो रहा था, वहां अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम कैसे चल रहा था। इस मामले में और जानकारी के साथ अरविंद ओझा हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, ये समझाइए कि ये सारी चीजें, ये सारे सवाल हम उठा रहे हैं, लेकिन हर बार हम देखते हैं गर्मी के महीने में कोई ना कोई ऐसी दर्दनाक घटना दिल्ली जैसे शहर में घटती है, और उसके बाद फौरन सब हरकत में आते हैं और कहते हैं कि हम हर जगह का लाइसेंस चेक करेंगे, एनओसी चेक करेंगे। इस मामले में कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या क्या हो गया है? श्वेता, सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूं। इस मामले में जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, बेबी केयर सेंटर का मालिक नवीन और डॉक्टर आकाश, दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने 30 मई तक दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड ग्रांट की है। पुलिस अब उनसे पूछताछ करेगी। अब जैसा आपने सवाल पूछा, देखिए ये सब क्लियर हो चुका है जांच में कि फर्जी बेबी केयर सेंटर था, 5 बेड का अस्पताल था, 20 से 25 बच्चे रखे जाते थे, हादसे के वक्त भी 12 बच्चे रेस्क्यू किए गए। अब हादसे के बाद क्या होता है, राजनीति शुरू हो जाती है। जो आम आदमी पार्टी के मंत्री है सौरभ भारद्वाज, वो कहते हैं हेल्थ सेक्रेटरी हमारा फोन नहीं उठाता। उसके बाद वही मौके पर पहुंचते हैं बीजेपी अध्यक्ष, वो कहते हैं कि जी आम आदमी पार्टी की तो आदत है अधिकारियों पर आरोप लगाने की। अब हो क्या रहा है, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है। मेरा सवाल ये है, और जो आज तक सवाल भी पूछ रहा है, कि फर्जी नर्सिंग होम यहां पर चल रहा था, 31 मार्च को उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था, तो भाई हेल्थ डिपार्टमेंट की कोई विजिलेंस डिपार्टमेंट भी तो होती होगी ना, जो मौके पर पहुंचकर इंस्पेक्शन करती होगी, उसके बाद उसको बंद कराती होगी। एमसीडी डिपार्टमेंट जो कहीं भी लेंटर दिल्ली के अंदर अगर पड़ता है तो वहां पहुंच जाते हैं कटिंग के लिए, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। तो क्या यहां पर चल रहा था अवैध सेंटर, उसको जानकारी नहीं थी? फायर डिपार्टमेंट जो फटाक से कह देता है किसी भी इंसिडेंट का के बाद कि एनओसी नहीं थी, अरे पहले जाकर आप चेक करते कि एनओसी नहीं थी।
ऐसे दिल्ली में कई अस्पताल हैं जिनको एनओसी नहीं है, कई ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। लगातार हम इस बात का खुलासा करते रहते हैं, लेकिन ये बेहद अफसोसनाक है कि अब पुलिस जांच के बाद जब पुलिस ने यह खुलासा किया कि 31 मार्च को इसका लाइसेंस खत्म हो चुका था, एक डॉक्टर मौजूद था जिसको जो योग्य ही नहीं है बच्चों की देखभाल करने के लिए, और तो और नीचे एक तरीके से विस्फोटक का पूरा सामान इकट्ठा किया गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए थे, और वो भी एक दो नहीं, 5 बेड के लिए कितने ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होगी, 7, 8, 10, ज्यादा से ज्यादा 10, 32 वहां पर पड़े हुए थे। एफआईआर जो है, एफआईआर में खुलासा होता है कि 5 जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो फटे, और हमने उस दिन की तस्वीरें भी भेजी है जब एक के बाद एक जोरदार धमाका हो रहा है। सोचिए, एक तो आग लगी है, उसके बाद जोरदार धमाके हो रहे हैं, 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने के बच्चों की क्या हालत रही होगी, और शायद यही वजह कि 7 बच्चे, मासूम बच्चों ने दम तोड़ा। वो दर्द, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सोचा नहीं जा सकता है, और असहयोग की बात आप करते हैं एक विभाग के दूसरे विभाग से, लेकिन सीधी सी बात है, जो विभाग है दिल्ली जैसे शहर में उनके पास उतने लोग होते हैं कि वो इस तरह की कार्रवाई समय समय पर करते रहें, चेक करते रहें, एनओसी क्या फायर के हिसाब से वहां सब कुछ ठीक है कि नहीं, खासकर गर्मी के मौसम में तो क्यों नहीं, पर ऐसा हुआ नहीं। शुक्रिया अरविंद ओझा इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के बच्चे अस्पताल में इलाज के लिए गए और वहां पर इस तरीके से जलकर खाक हो गए।